अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी शुरू करती हूँ मैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ शामी कबाब, जो कि मैं मटन के कीमे का बनाऊँगी। और उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें शामिल है कीमा, ये 700 पाउंड है। उसके अलावा 1 कप दाल है चने की, ये 1 कप बड़ा है, बड़े साइज का जो कप होता है वो ये 1 है। और इसको अपने 3-4 घंटे भिगो लेना है। इससे कम भी होगा तो ठीक है, लेकिन इतनी अगर दाल भीगी हो तो वो आसानी जो है जल्दी से गल के मिक्स हो जाती है कीमे के साथ। धनिया और पुदीने के पत्ते हैं, 2 प्याज हैं जो रफली कटे हुए हैं, और 4 अदद हरी मिर्चें हैं। तकरीबन 12 अदद, 10 से 12 अपने टेस्ट के मुताबिक आप ये साबुत लाल मिर्चें लेंगे। 1 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप जायके के मुताबिक लीजिएगा। मैं भी 1 टीस्पून शामिल करूंगी और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं उसमें और शामिल कर लूँगी। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, क्योंकि बाजार के मसाले की नस्बत जो घर का बना हुआ मसाला होता है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये 1 टेबल स्पून ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और जो सूखा धनिया होता है साबित उसको मैंने भून के उसको मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ये उसका चम्मच है। और ये लहसुन अदरक है जो कि 2 टेबल स्पून है चॉप किया हुआ, आप चॉप कर लें, साबुत डालना है वो भी डाल दें क्योंकि बाद में हमने इसको मिक्सी कर लेना है। लेकिन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के अदरक है, तो ये 2 टेबल स्पून हो गया। इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। एक देगची ले लें, कढ़ाई ले लें, इसमें तकरीबन मैं 1 कप पानी डालूंगी। पैन पहले से गर्म है मेरा, अब इसमें मैं कीमा शामिल कर देती हूँ। साथ में मैं शामिल कर देती हूँ दाल, एक प्याज, मैंने आपको 2 दिखाए थे, ये 1 प्याज है रफली कटा हुआ, साबुत मिर्चें हैं, इसको पहले मिक्स कर देती हूँ। लहसुन अदरक है, नमक और सूखा धनिया, सिर्फ अभी यही शामिल करेंगे और इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अब इसको मीडियम, लो टू मीडियम आंच के बीच में रख के मैं इसको पकाऊंगी कि जिसमें इसका पानी खुश्क हो जाए, दाल गल जाए, कीमा भी गल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब इसको जैसे ही जोश आ जाएगा तो मैं इसका चूल्हा जो है वो आहिस्ता कर दूंगी और फिर ये इसको ढक के ये हल्की आंच पे बनता रहेगा। कुछ देर में पानी जब थोड़ा ड्राई हो जाए, यानी कम रह जाए, ये देखें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई हो गया, अभी इसमें है, इसको कुछ देर लगेगी, लेकिन जब इतना सा पानी रह जाए तो फिर जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे इसमें शामिल है गर्म मसाला और ज़ीरा और धनिया, भुना हुआ और ग्राइंड हुआ हुआ उसका पाउडर, वो आपने मिक्स कर देना। स्टार्टिंग में अगर मैं इसको पानी के साथ डालती तो फिर ये होना था कि कलर जो है वो काला काला सा ख़राब हो जाना था इसका, दाल का। इस वजह से मैंने पानी को थोड़ा खुश्क करके इसमें डाला है। अब जितना भी इसमें पानी है उसके भी ड्राई होने का मैं इंतज़ार करूँगी और उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। पानी खुश्क होने के बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल लिया था, अब ये ठंडा हो चुका है। अब जो मैंने आपको सुबह 2 प्याज दिखाए थे, 1 प्याज तो मैंने शामी कबाब में शामिल कर दिया था, जो हरी मिर्चें और 1 प्याज था उसको काटा है मैंने, और ये जो धनिया के और पुदीने के पत्ते हैं इनको भी धो लिया। पहले मैं इनको एक साथ चॉपर में चॉप करूंगी और हरा मसाला बनाकर मैं साइड पर रख दूंगी, फिर हम अपने शामी कबाब जो है वो चॉपर में डालेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ।
चॉप हो चुका है, ये देखें इतना बारीक होना चाहिए। अगर आप चॉपर में नहीं करते हाथ से करते हैं तो भी इतना बारीक होना चाहिए। अब मैं इसको अलग निकाल लेती हूँ, फिर मैं शामी कबाब इसमें डालती हूँ। जो हरा मसाला था वो मैंने इसमें से निकाल के एक साइड पे रख लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। इतनी बारीक मैंने दाल को पीस लिया है। अब इसको मैंने कर लिया, बाकी की भी मैं कर लेती हूँ। जब मैं सारी कर लूंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दाल पीस ली है और ये जो मसाला मैंने हरा मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा आप यूँ हाथ पे तेल लगाएं, तेल लगा लें या पानी लगा लें, इससे ये होता है कि फिर जो कीमा है वो हाथ के साथ चिपकता नहीं है। और एक इसका आपको हाथ पे दबा के जितने साइज का बनाना चाहते हैं इसको शेप दे लें। इसको हाथ से प्रेस करें। शामी कबाब मैंने बना ली है, दो अंडे हैं जिनको मैंने फेंट लिया है और मैंने ऑयल रख दी है पैन पे। इसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे। चलिए चूल्हे की तरफ चलते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर मैं इसको फ्राई करना शुरू करती हूँ। फ्राई पैन में जितनी जगह है आप देख लें। उसके बाद जब एक साइड से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर दूसरी साइड से करेंगे। जल्दी से हो जाएंगी क्योंकि फ्रेश बनी हुई है। दूसरी साइड पे भी ऐसा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से मैं बाकी की भी फ्राई कर लेती हूँ। शामी कबाब मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये जो शामी कबाब हैं वो हर तरह से हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे मेहमानों के लिए, बच्चों के लंच के लिए, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप इनको बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको।
और किसी नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।